फैमिली कैसे हो आप सब। कबीर जागरण ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आपको घुमाने लेके आए मथुरा वृंदावन गिरिराज जी, और अभी फिलहाल हम गिरिराज जी में हैं जिसको श्री गिरिराज जी धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अभी हम गिरिराज जी धाम के अंदर दान घाटी मंदिर के सामने खड़े हैं जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। तो ये मेरे पीछे का मंदिर देख रहे हैं, इसी को दान घाटी मंदिर बोला जाता है। यहाँ से ही गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू होती है और इधर ही आके समाप्त होती है। तो सबसे पहले आप सभी को मंदिर में ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश द्वार। चलो दोस्तों अंदर चलते हैं। तो दोस्तों मंदिर में अंदर एंट्री करने के बाद हमें पता चला यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एडजस्ट करके आप सभी के लिए वीडियो बनाई है। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों ये है गिरिराज जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर, दान घाटी मंदिर। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गोपियों से माखन का दान लिया करते थे, तो इसलिए इसी मंदिर को दान घाटी बोला जाता है। और दोस्तों इस मंदिर के दर्शन करने के बाद ही यहाँ पे गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू होती है। तो आप सभी यहाँ इस मंदिर में जरूर आएँ और दर्शन जरूर करें। बोलो जय गोवर्धन महाराज। दोस्तों हम भी अब यहाँ दर्शन करके मंदिर में और अपनी परिक्रमा शुरू करने वाले हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों हम अपनी बड़ी परिक्रमा शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले हम पांच दंडौटी लगाएंगे। ये आप श्रद्धा अनुसार लगा सकते हैं, कोई पांच लगाता है तो कोई सात लगाता है। तो हम पांच लगाएंगे और पांच लगाने के बाद अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। तो दोस्तों पहले हमारे मम्मी पापा जी ने लगाई थी, अब हम दंडौटी लगा रहे हैं, उसके बाद अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। देखो दोस्तों बोलो बजरंग बली महाराज की जय। दोस्तों कुछ भक्तजन तो यहाँ पे पैदल परिक्रमा लगाते हैं, तो कुछ दंडौटी लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भक्त दंडौटी लगा रहे हैं। राधे 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 साहब। दोस्तों परिक्रमा में आगे बढ़ने के बाद हमें एक बहुत ही अद्भुत गंगा के दर्शन हुए, आप सभी देख सकते हैं। बोलो राधे 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 राधे। क्या नाम है आपका? चंद्रमुखी। राधे 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 महाराज महाराज महाराज। तुम पे पान चढ़े तुम पे फूल चढ़े, वो तुम पे पान चढ़े तुम पे फूल चढ़े, चढ़े दूजी की धार धार श्री गोवर्धन महाराज। तो फ्रेंड्स ये हमारे गिरिराज जी महाराज है जिन्होंने अपनी उंगली के ऊपर पर्वत उठाया हुआ है। दोस्तों गोवर्धन की जो असली परिक्रमा है वो यही है जो कि गोवर्धन पर्वत के साथ साथ जाती है। लेकिन जब पहले पक्का रोड नहीं बना था तो पहले के लोग सब यहीं से रास्ते से लगाते थे, लेकिन अब पक्का रोड बन चुका है तो कोई रोड से जाता है तो कोई इस पहाड़ी के साथ साथ से जाता है। और ये हमारी माता श्री हमारी माता जी ये निधि कुंज है
श्री गिरिराज धाम गोवर्धन का बहुत ही सुंदर बहुत ही शानदार नजारा है दोस्तों। ये है दोस्तों निधि वन का ये तालाब है जहाँ पे साधु संत सब स्नान करने के लिए आते हैं। निधि कुंज का तालाब परिक्रमा मार्ग श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज। तो दोस्तों ये है श्री कार्शनी कुंड। ये कुंड श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की प्रथम परिक्रमा के अंदर पड़ता है और यहाँ पे सब साधु संत स्नान करने के लिए आते हैं। ये देखिए एक बाबा यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। क्या क्या करूं बता दो पापा जी। फोटो नहीं तो फोटो ले 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 राधे 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 ले लियो ना वो फोटो ले 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 दे उससे भी दे उससे भी दे उससे भी दे उसको भी दे ले तू भी ले बाय। तो दोस्तों देख रहे हो आप इसने मेरे हाथ में से एक केला तो ले लिया लेकिन पूरी पन्नी भी ले गया। इसको भाई साहब को एक केला से पेट नहीं भरा तो इसको पूरी पन्नी चाहिए तो मैंने भी दे दी ले जाओ। तो दोस्तों परिक्रमा में आगे बढ़ते बढ़ते हमें कुछ ये जंगली जानवर देखने को मिले हैं दोस्तों। और यहाँ पे लोग बागों ने जंगलों के बीचों बीच में पेड़ भी लगा रखे हैं जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कुछ गुजराती लोग आए हुए हैं जिन्होंने श्री गिरिराज जी महाराज जी के 56 तरीके के व्यंजनों का भोग लगाया है। ये देखिए दोस्तों आप तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जतिपुरा श्री मुखारविंद जी मंदिर में। तो दोस्तों यही वो मंदिर है जहां पे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो दोस्तों यह मंदिर बड़ी परिक्रमा के अंदर पड़ता है और यह यहां के सबसे मेन दर्शन है। तो दोस्तों इस समय पे गोवर्धन जी का श्रृंगार हो रहा है ये देखो दोस्तों आप देख सकते हैं। जय हो श्री नाथ जी। देखो ये श्रीनाथ जी का मंदिर है ऊपर। यहाँ भगवान नाथ द्वारे से आते हैं, शयन आरती यहाँ की करते हैं और मंगला आरती नाथ द्वारे की होती है। ये गिरिराज जी के ऊपर मंदिर बना हुआ है प्राचीन पुरानी जगह है। 100 साल पुराना मंदिर है। ऊपर घी के तेल के कुएं हैं। श्री जी बाबा सामग्री बनाते थे तो वहाँ कुएं बने हुए हैं ऊपर मंदिर पे।
बहुत प्राचीन कुआं है, देखने लायक जगह है, और भगवान का पलंग भी बचा हुआ है। भगवान अपनी ससुराल से आकर के यहाँ जतिप्रा में शयनारती के आनंद यहाँ लेते हैं, शयनारती यहाँ होती है मंदिर पे ऊपर। इसका भी कैमरा कम नहीं है यार, वैसे जबरदस्त कैमरा है इसका भी। तो फैमिली हमारी पहली परिक्रमा खत्म हो चुकी है, अब हम अपनी दूसरी परिक्रमा शुरू करेंगे। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। तो दोस्तों अब हमारी एक बड़ी परिक्रमा खत्म हो चुकी है, अब हम अपनी दूसरी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी परिक्रमा शुरू होती है यहाँ से। बोलो जय हो गिरिराज जी महाराज की। तो फ्रेंड्स हमारी दूसरी परिक्रमा हम लगा रहे हैं, तो हमें रात हो चुकी है, रात के अभी 10:30 बज रहे हैं। जय हो यमुना महारानी महाराज। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारे पंचमुखी महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों ये हमारे बजरंगबली महाराज। बोलो जय श्री राम। जय हो माता रानी। सीता राम 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 सीता राम, सीता राम राम राम। बोलिए श्री कैला मैया की जय हो। श्री चामुंडा मैया की जय। गुरु पांचे दरबार की जय। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है आई लव राधा कुंड। ये राधा कुंड है, लेकिन धुंध की वजह से यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं पा रहा है, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है फ्रेंड्स। ये देखिए आप, आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा है एकदम। दोस्तों ये राधा रानी का कुआ है, ये देखिए आप मेरे सामने। इस कुएं पे से राधा रानी जल भरने के लिए आती थी। अंधेरी की वजह से आपको थोड़ा दिख नहीं पा रहा होगा दोस्तों, यही वो साक्षात कुआ है। ये आज भी गोवर्धन के अंदर विराजमान है। बोलो राधा रानी की जय। श्री ललिता कुंड, उस सामने हमारे महादेव बैठे हैं। ये दोस्तों ललिता कुंड है। तो दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और अभी हमने अपनी दूसरी परिक्रमा भी पूरी कर ली है। तो दोस्तों परिक्रमा पूरी करने के बाद अब हम जा रहे हैं श्री गिरिराज जी महाराज के मेन मंदिर में मानसी गंगा, वहाँ जाके पहले स्नान करेंगे, उसके बाद अपना दूध भोग चढ़ाएंगे और फिर आरती करेंगे। दोस्तों देखिए रात को 12 बज रहे हैं और ये मंदिर कितना ही सुंदर लग रहा है, पूरे मंदिरों पर लाइट लगा रखी है दोस्तों, श्री मानसी गंगा, ये देखिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का गोवर्धन का व्लॉग। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों अब हम काफ़ी थक चुके हैं, तो अब हम आराम करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, और कमेंट को जय श्री गोवर्धन के नाम से भर देना दोस्तों।